ओह गॉड, मुझे नहीं समझ में आता मैं नए वर्ड्स कैसे सीखूं। ओह गॉड, मैं तो अटक जाता हूँ जब भी मैं कुछ बोलने जाता हूँ इंग्लिश में। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या आपको भी अपने वोकैबुलरी में नए वर्ड्स ऐड करने में प्रॉब्लम होती हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे अनयूजुअल तरीके जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ही स्पीड में बढ़ सकती है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आई नो वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड थिंग, सबसे ज़्यादा डरने वाली चीज़ जब कोई भी आप नई लैंग्वेज एंड स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट इंग्लिश की बात करते, सीखने की बात करते हैं, तो आती है कि हम वर्ड्स कैसे सीखें। मैं अगर किसी से बात करने जा रहा हूँ, कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, बट मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं तो मैं अपनी बात रख नहीं पाता हूँ। एंड वहीं पे बहुत सारे फिलर वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे अनकम्फर्टेबल पॉइंट्स आते हैं, वहीं पे आके बहुत सारे लोगों का आत्मविश्वास से कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वोकैबुलरी पे कॉन्स्टेंटली वर्क करें, उसको इंक्रीज करते रहें। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अनयूजुअल तरीके से अपने वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, में जो कॉमनली यूज होते हैं वो कुछ 1000 से 2000 वर्ड्स ही हैं जो कि कॉमन यूज होते हैं। तो पहली चीज आपको दिमाग से निकालनी होगी कि आपको लाखों करोड़ों वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता करनी, लाखों करोड़ वर्ड्स अपनी डिक्शनरी अपने वोकैबुलरी में नहीं ऐड करनी है। इट्स ओनली 1 to 2000 कॉमन वर्ड्स, क्योंकि एक 90 to 95% कम्युनिकेशन में यूज होती है। अनलेस आप ऑक्सफोर्ड में जाके कोई रिसर्च करने वाले हैं या कैम्ब्रिज में कोई पेपर पब्लिश करने वाले हैं, प्रॉब्ली आप ये वीडियो तब देख भी नहीं रहे होंगे। बट अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे आप फेलो इंडियन से बात करना चाहते हैं, इवन इफ यू आर टॉकिंग टू फॉरेनर्स, यू ओनली नीड दिस 1000 to 2000 वर्ड्स। सबसे पहली चीज जो किसी भी चीज को सीखने में होती है वो होती है माइंडसेट। एंड आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा कि इट्स इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जो तरीके सीखने वाले हैं आप, उसको यूज करके इट विल बिकम अ गेम, इट विल बिकम फन टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड यूज इट। तो पहली चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देनी है वो है कि अपना माइंडसेट बनाइए कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं नए वर्ड सीख सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर भी बन सकता हूँ। तो लाइए शुरू करते हैं कि व्हाट आर दोज 5 अनयूजुअल वेज टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला तरीका है जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग भी है, दैट इज कॉल्ड वॉचिंग या नेटफ्लिक्स या फिर मूवीज या फिर ऐसी कोई भी चीज जहाँ पे आपको सब टाइटल भी दिख रहा हो। सो इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी बिल्ड करना चाहते हैं, सो स्टार्ट वॉचिंग एवरी डे 10-15-20 मिनट्स ऑफ सम शोज विच इज कम्प्लीट इन इंग्लिश, एंड कोशिश करो आप कि उसमें सब टाइटल हो। वॉट हैपन्स विद दैट कि जब आप उसका सब टाइटल देखते हो, यू आर एबल टू रिलेट इमोशन विद द वर्ड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने वर्ड्स यूज किए हैं जिसका मुझे इमोशन पता नहीं था, एंड इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो जब आप इमोशंस कनेक्ट कर पाते हैं, देन यू विल बी लाइक ओके, इमोशंस ये था, मतलब इसका मीनिंग वुड बी समथिंग लाइक दैट। जब आप कोई भी शो देख रहे हैं, टीवी शोज हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया या यूट्यूब देख रहे हैं, ट्राई टू कीप द सबटाइटल ऑन, एंड स्पेशली जब आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का शोज देख रहे हैं, इट विल हेल्प यू ट्रेन योर ईयर्स एज वेल एज गेट योर वोकैबुलरी। एंड वंस इन अ वाइल कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो कि आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन गो एंड लुक फॉर द मीनिंग। एंड जब आप उसके बाद इमीडिएटली वापस आते हैं, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शो, एंड इट विल ऑल्सो रजिस्टर इन योर मेमरी बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शो, इट इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन, एंड दैट इट इज एन अनयूजुअल बट एंड वेरी इफेक्टिव वे टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। सो स्टार्ट वॉचिंग मूवीज एंड टीवी शोज विद द सबटाइटल ऑन एंड ट्राई टू ब्रिंग न्यू वर्ड्स टू योर वोकैबुलरी। लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड अनयूजुअल वे। जो दूसरा अनयूजुअल वे है वो भी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड अगर इफ यू आर एनी वन हु इज इन टू गेम्स एंड इन टू पजल्स, यू आर गोइंग टू
love this. And that is called playing word puzzles, playing those vocabulary games. I remember jab main I was trying to get more words into my vocabulary, ek hangman karke game hota tha, where you have 3 or 4 letters and if you don't put the right letter, जो भी वहाँ का जानवर था वो फिक्टिशियली हैंग हो जाएगा. इट वॉज फन. एट द सेम टाइम आई वॉज लर्निंग एज अ किड. जब हम लोग बच्चे थे तो अ लॉट ऑफ टाइम आवर टीचर्स यूज टू गिव अस ग्रेट कॉन्सेप्ट वाइल लर्निंग समथिंग वाइल हैविंग फन. अगर आप वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी ये फन एलिमेंट ले जाएं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं. यू कैन प्ले द पजल्स, यू कैन प्ले द क्रॉसवर्ड्स, यू कैन ऑनलाइन जाके यू कैन डू द वर्ड गेम्स. देर आर एप्स अवेलेबल लाइक स्क्रैम्बल एंड अदर एप्स विच यू कैन यूज इन योर फोन. तो जब भी आपके पास 5 मिनट 10 मिनट है तो गो एंड प्ले दोस गेम्स. दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर वोकैबुलरीज. सो द सेकेंड अनकन्वेंशनल वे टू बिल्ड योर वोकैबुलरी इज प्लेइंग दोस वर्ड गेम्स एंड पजल्स. लेट्स लर्न अबाउट द थर्ड वे. और जो तीसरा तरीका है वो है रीडिंग न्यूज आर्टिकल एंड फिक्शनल बुक्स एंड बेसिकली रीडिंग एनी एंड एवरीथिंग यू कैन गेट योर होल्ड ऑफ. नाउ इवन इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, बट अगर आपने उसको 3-4 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगहों पे ऑब्जर्व किया देखा, देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल बी एबल टू गेस द मीनिंग ऑफ दैट. एंड अगेन इफ यू आर वेरी सीरियस, वॉट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट हाईलाइटिंग सम ऑफ दोज वर्ड वाइल यू आर रीडिंग द आर्टिकल. सो हियर इज अ टिप. अगर आप ये करते हैं तो मत करिए, विच इज कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा हो फिर एक वर्ड आपको समझ भी नहीं आया, आपने वो सेंटेंस वहीं छोड़ दिया और आप डिक्शनरी लेने गए या गूगल किया और फिर उस वर्ड का मीनिंग किया और वापस आया. डोंट डू दैट, यू विल नेवर बी एबल टू मेक प्रोग्रेस. व्हाट यू शुड डू इज कि अगर आप कोई भी न्यूज आर्टिकल या ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, कीप हाईलाइटिंग दोज वर्ड्स विच यू आर नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग. शायद 50% मुझे लग रहा ये होगा बट ये है नहीं. एंड जब आपने वो आर्टिकल पढ़ लिया, वो पूरा पढ़ लिया, उसके बाद यू गो बैक एंड रेफर टू गूगल और डिक्शनरी और whatever you want to refer and that will make more sense. What happens is कि अगर आपने एक बार वो break कर दिया जो आप flow में पढ़ रहे थे, it will register as a negative emotion कि यार हर बार एक word के लिए मुझे वापस जाना पड़ता है. And I'm telling you with my own personal experience, that is why if you're reading an article, एक छोटा सा article 2 paragraph का ही है या 4 paragraph का ही है, आप पूरा आर्टिकल पढ़ो, उसमें हाईलाइट करते रहो कौन से वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे, एंड देन वंस यू आर डन देन गो बैक एंड रिफर द मीनिंग एंड करेक्ट इट इफ यू अंडरस्टूड इट रॉन्ग. सो दैट वाज अ थर्ड अनकन्वेंशनल वे टू बिल्ड योर वोकैबुलरी. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट और द फोर्थ वे टू बिल्ड योर वोकैबुलरी. सो जो चौथा तरीका वो है अगेन यूजिंग आवर 2 ears विच इज लिसनिंग. लिसनिंग टू वॉट? लिसनिंग टू पॉडकास्ट, लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स, लिसनिंग टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड in that particular language. When you're listening to that podcast, again, just like you're watching TV show or Netflix and all, you are able to many times attach emotions with the word. And just like a Netflix show, you can watch the podcast. Agar aisa koi word aa gaya jo aapko bilkul hi samajh mein nahi aa raha, you can probably pause the podcast and go back and refer. But I'm not gonna say that ki 90% cases mein you don't even have to pause. You just go on. And over the time, jab aap koi words ko alag alag कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग यूजेस से अलग अलग पर्सपेक्टिव से सुनते हो, यू आर वेरी लाइकली टू गेट अ गुड गेस मीनिंग ऑफ दैट, राइट? एंड देन यस, डेफिनेटली बिल्ड सम वोकैबुलरी, बिल्ड एंड रिसर्च दैट वर्ड. But there is a good chance that you will get to know what that word means. एक और फायदा होता है podcast या फिर audio book सुनने का, which is you are training your ears, ears, not ears, Y-E-A-R-S, E-A-R-S, ears, to get accustomed to different kind of, there is a UK way of saying English, there is a US way of saying English, there is Australian way of saying English. So you are accustoming your ears to different kind of pronunciation. So when you get accustomed to different kind of pronunciation, the way British people speak is different from the way Americans speak, the way the Australians speak, and the way we Indians and Asians speak. So जब आप अपने ears को इस तरह से train करते हैं कि आप अलग अलग type के accent, अलग अलग type के pronunciation को सुन रहे हैं, it really builds your vocabulary and more importantly your content. So that was the fourth unusual way, listening to podcasts and audio books that can help you build your vocabulary. Let's move on to the fifth and final way. So ye fifth or final way, ye hai thode daredevil logon ke liye, thode log jo thoda risk lena chahte hain, because the fifth unusual way to build vocabulary is by incorporating
न्यू वर्ड्स इवन इफ यू आर नॉट 100% श्योर. आपको कोई वर्ड लगा, आपको लग रहा है इसका मीनिंग शायद ये होगा, लेकिन आप 100% श्योर नहीं है. तो रिस्क लीजिए जब आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे अपनी टीम से, चाहे अपने पीयर्स से, चाहे अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, पार्टनर से. उस वर्ड को यूज करने का ट्राई करिए एंड सी द रिएक्शन. कई बार आपको रिएक्शन से पता चल जाएगा कि ये वर्ड शायद यहाँ गलत था, मुझे चेक करने की जरूरत है. या अगर वो रिएक्शन काफी अच्छा आ गया तो यू नो कि ओके, व्हाटएवर आई वाज गेसिंग वाज प्रोबब्ली इन लाइन विद व्हाट आई एम थिंकिंग. बट दिस रिक्वायर्स गट्स, एंड अगर लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, एज दे से नो पेन नो गेन, तो रिस्क लेने पड़ेंगे. व्हाट इफ यू गेट एम्बैरस्ड. लेट मी टेल यू अ स्टोरी. मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज पास किया था, तो एक वर्ड होता है ग्रजेस, एंड पीपल वर सेइंग ओके डू यू होल्ड एनी ग्रजेस, डू यू हैव एनी ग्रजेस. मुझे उसका मीनिंग पता नहीं था, एंड आई टुक इनटू ऑल टुगेदर डिफरेंट वे एंड सेड समथिंग व्हिच वाज नॉट सपोज्ड टू बी सेड इन आवर कॉलेज ग्रुप. उसके बाद मुझे पता चला कि अरे यार, ग्रजेस का मतलब कुछ और ही होता है. आपको पता है ग्रजेस का मतलब क्या होता है? राइट इट इन द कमेंट्स. सो बेसिकली आई टुक अ रिस्क, आई एम्बैरस्ड माइसेल्फ, बट नाउ आई नो द मीनिंग ऑफ ग्रजेस, राइट. सिमिलरली टेक रिस्क. क्या हो गया, एक दो बार फेल हो गए, एम्बैरस हो गए, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रॉन्ग समटाइम्स, राइट. दैट वाज द फिफ्थ अनयूजुअल वे. टेक रिस्क एंड इनकॉर्पोरेट इन न्यू कॉन्वर्सेशन. जब आप नए लोगों से मिल रहे हो, या फ्रेंड से मिल रहे हो, फैमिली से मिल रहे हो, अपने कॉलीग से मिल रहे हो, अपने फेलो स्टूडेंट से मिल रहे हो, यूज दोज न्यू वर्ड्स एंड ऑब्जर्व हाउ इज इट गोइंग. सो दोज वेर द फाइव अनयूजुअल वेज. सो आई होप ये अनयूजुअल वेज को यूज करके आपकी वोकैबुलरी वास्टली इंक्रीज हो जाएगी. प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपको लग रहा है कि आपकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है, यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन इट. कोई भी ये 5 तरीके या और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनको यूज करके स्टार्ट कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी, बिकॉज दैट कैन बी अ गेम चेंजर. एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Until then, take care, stay safe, and stay blessed.